तो एफसी कप 2021 के ग्रुप डी के मैच नंबर 5 एटी के मोहन बागान वर्सेस वसुंधरा किंग्स मैच हो चुका है खत्म। चलिए इस मैच को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, दोनों टीमों का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा और क्या हुआ इस मैच के रिजल्ट आने के बाद, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना, आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज पता लगेगा इस मैच के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि एटीके मोहन बागान वर्सेस वसुंधरा किंग्स मैच बहुत ही वाइटल है दोनों टीमों के लिए। इस मैच के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा दोनों टीमों का फ्यूचर। और मैच का रिजल्ट आया है भाई 1-1, स्कोर लाइन है 1-1, मैच ड्रॉ हो गया है। तो एटीके मोहन बागान के पास यहाँ पर एडवांटेज ये था कि भाई एटीके मोहन बागान अगर इस मैच को ड्रॉ कर लेता है तो नेक्स्ट राउंड पर चला जाएगा और कुछ उस तरह का ही काम किया है इस मैच पे। दूसरी तरफ वसुंधरा किंग्स को इस मैच पे जीत हासिल करना था तभी वो आगे जा पाता, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। एटीके मोहन बागान ने अपना एडवांटेज का फायदा लिया और इस मैच पे ड्रॉ करके पहुंच चुका है वो एएफसी कप के इंटर जोन सेमीफाइनल तक, एक नॉकआउट स्टेज पर पहुंच चुका है एटीके मोहन बागान। आप लोग यहां पर पॉइंट टेबल को भी देख सकते हो, एटीके मोहन बागान 3 मैच खेलकर 7 पॉइंट हासिल कर लिया है और दूसरी तरफ वसुंधरा किंग्स 4 पॉइंट पर ही अटका हुआ है, जिसके चलते भाई एटीके मोहन बागान आगे जा रहा है क्योंकि उन्होंने ग्रुप डी में टॉप किया है, पॉइंट टेबल के एकदम टॉप पर मौजूद है और एटीके मोहन बागान नेक्स्ट राउंड पर जा रहा है उसके ही चलते। तो हमारे तरफ से एटीके मोहन बागान को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन इस अचीवमेंट के लिए और उन्होंने भाई हिस्ट्री भी क्रिएट कर दिया है। आईएसएल का पहला टीम जो कि एएफसी कप के इंटर जोन सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। और अब चलिए हम मैच स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एटीके मोहन बागान भाई फास्ट अप शुरू होते ही अपना इंटेंट क्लियर कर दिया था कि भाई वो ज़्यादातर अटैक करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था भाई शुरुआती कुछ मिनट पर वसुंधरा किंग्स के डिफेंस लाइन को एटीके मोहन बागान के अटैकर्स। लेकिन भाई 14 मिनट में एक बहुत ही बड़ा गलती हो गया था एटीके मोहन बागान से और जिसके चलते भाई एक गोल होना था वसुंधरा किंग्स का, लेकिन मैक ह्यूज ने एकदम गोल लाइन सेव लगाए अपना हेड देकर, जिसके चलते वसुंधरा किंग्स वो गोल नहीं लगा पाया। उसके बाद 18 मिनट पर एटीके मोहन बागान को एक गोल्डन चांस मिल गया था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी था भाई लिस्टन के लिए। विलियम्स ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बॉल दिया था लेकिन खुला नेट पर भाई लिस्टन बॉल को धकेल नहीं पाया, बॉल को घुसा नहीं पाया और एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद भाई रॉय कृष्णा ने एक ज़बरदस्त तरीके से बाइसाइकिल किक लगाकर गोल करने की कोशिश किया लेकिन क्रॉसबार के ऊपर से वो बॉल चला गया। और इसके बाद भाई 28 मिनट पर एटीके मोहन बागान की डिफेंस लाइन से एक बहुत ही बड़ा गलती हो गया और यहां पर अमरिंदर को भी भाई काम करना चाहिए था। लेकिन 28 मिनट पर वसुंधरा किंग्स के खिलाड़ी भाई फर्नांडेज को बहुत ही ज़्यादा टाइम और समय मिल चुका था बॉक्स पर और उसका ही एडवांटेज लेते हुए भाई उन्होंने एक ज़बरदस्त शॉट लगाकर नियर पोस्ट में बॉल को घुसा दिया था। अमरिंदर को यहां पर सेव करना चाहिए था लेकिन भाई उनको क्या हो गया था मुझे पता नहीं। और यहां पर 1-0 से भारत ले लिया था वसुंधरा किंग्स और एटीके मोहन बागान थोड़ा बहुत प्रेशर में आ चुका था। और इसके बाद नेक्स्ट 40 मिनट पर रॉय कृष्णा एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉट लगाया था बॉक्स के अंदर लेकिन भाई डिफेंडर ने यहां पर ब्लॉक कर दिया था। उसके 3 मिनट बाद भाई विलियम्स ने गोलकीपर को बहुत ही शानदार तरीके से शॉट लगाकर टेस्ट किया डिस्टेंस से, लेकिन वसुंधरा किंग्स के गोलकीपर जीको ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बॉल को, इस शॉट को सेव कर लिया था। तो भाई फर्स्ट हाफ में हमें वसुंधरा किंग्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फुटबॉल देखने को मिला, वो अखाड़ा में आकर खेल रहा था मुझे लग रहा है क्योंकि भाई कबड्डी का मैच देखने को मिला था, कभी 60 पकड़ कर खींच रहा है, कभी पैंट पकड़ कर खींच रहा है एटीके मोहन बागान के खिलाड़ियों का। और उसके चलते वसुंधरा किंग्स के खिलाड़ियों ने बहुत सारा फाउल किया है और फर्स्ट हाफ में भाई उनको 4 येलो कार्ड मिल चुका था और यहाँ पर हमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि एकदम फिजिकली खेलने की कोशिश कर रहा है, खिलाड़ियों को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहा है वसुंधरा किंग्स एटीके मोहन बागान का, जो कि एक बहुत ही ख़राब इंटेंट है। और भी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से उनको फुटबॉल खेलना चाहिए था, इतना बड़ा मंच पर इस तरीके का बर्ताव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल फुटबॉल टीम से। और वसुंधरा किंग्स के इसी परफॉर्मेंस के चलते, इसी बर्ताव के चलते उनको एक रेड कार्ड भी मिल गया था और 10 मैन अब पिच पर उतरने वाला था सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले
एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिल चुका था। और इसके बाद भाई जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ तब वसुंधरा किंग्स 10 खिलाड़ी के साथ खेल रहा था और एटीके मोहन बागान के पास भाई एडवांटेज था कि वो एक गोल लगाकर इस मैच को ड्रॉ कर दे और एक पॉइंट हासिल करके आगे चला जाए और कुछ उस तरह का ही इंटेंट हमें नजर आ रहा था। 60 मिनट पर एक बहुत ही अच्छा कोशिश था एटीके मोहन बागान के खिलाड़ी सुभाषिस बोस का, जिन्होंने भाई फास्ट मैच पे गोल लगाया था। तो उन्होंने एक बॉल पुट किया था बॉक्स के अंदर, लेकिन रॉय किशना ठीक समय पर उस बॉल तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन यहां पर एक गोल लगा सकता था एटीके मोहन बागान। लेकिन उसके ठीक 2 मिनट के बाद ही भाई एटीके मोहन बागान को एक गोल मिल गया था। लिस्टन बहुत ही अच्छी तरीके से बॉक्स में घुसकर एक बॉल बना दिया था डेविड विलियम्स के लिए और डेविड विलियम्स ने बॉल को घुसा दिया गोल पोस्ट के अंदर और यहां पर स्कोर लाइन हो गया था 1-1 और एटीके मोहन बागान को भाई राहत का सांस मिल चुका था क्योंकि इस स्कोर लाइन से वो आगे पहुंच सकता है। उसके बाद भाई एटीके मोहन बागान पूरा मैच कंट्रोल करता रहा। जब गोल करने की कोशिश कर रहा था तब वो काउंटर अटैक को यूज करके जा रहा था, दूसरी तरफ वसुंधरा किंग्स आगे नहीं आ पा रहा था क्योंकि उनको भाई एक खिलाड़ी का कमी था, 10 खिलाड़ी के साथ वो खेल रहा था, लेकिन वो भी अपना दमखम लगा दिया था पूरे मैच पे, लेकिन अंत में जाकर भाई कुछ नहीं कर पाया वसुंधरा किंग्स। एटीके मोहन बागान का जो प्लेइंग 11 था वो पूरा 90 मिनट भाई खेला, अंत में जाकर जब एक्स्ट्रा टाइम था तभी कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हवस ने किया था। वो टैक्टिकल चीज़ था भाई क्योंकि टाइम का खपत करने के लिए इस तरह का चीज़ कर रहा था उनका हेड कोच और उसका फ़ायदा भाई एटीके मोहन बागान को मिल चुका है। एटीके मोहन बागान इस मैच पे ड्रॉ हासिल करके पहुंच गया है एफसी कप के नेक्स्ट स्टेज पर। तो ये रहा भाई इस मैच का स्टोरी। अब चलिए हम कुछ खिलाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वसुंधरा किंग्स की अगर बात किया जाए तो वसुंधरा किंग्स की तरफ से भाई फर्नांडिस ने बहुत ही अच्छा खेला, अच्छा प्रदर्शन दिखाया भाई, और मुझे तो नहीं लग रहा था कि वसुंधरा किंग्स इस मैच पे जीत हासिल कर पाएगा क्योंकि उतना खतरनाक चांस उन्होंने क्रिएट नहीं किया था इस मैच पे। ठीक है, मोहन बागान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से चांस क्रिएट कर रहा था। हाँ, एक मौका यहाँ पर मिल गया था वसुंधरा किंग्स को, लेकिन वो एटीके मोहन बागान की गलती के चलते ही हुआ और यहाँ पर एक गोल कंसीडर करना पड़ा भाई एटीके मोहन बागान को और वसुंधरा किंग्स ने एक गोल लगाया। बाकी अगर पूरा टीम को देखा जाए वसुंधरा किंग्स का तो भाई वो फिजिकली होने की कोशिश कर रहा था जो कि एकदम अंत में जाकर नाकाम रहा। उसके बाद अगर मैं एटीके मोहन बागान की बात करूँ तो भाई एटीके मोहन बागान की तरफ से डेविड विलियम्स ने बहुत ही शानदार काम किया है इस मैच पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेविड विलियम्स अगर चल जाता है तो एटीके मोहन बागान के लिए बात बनेगा क्योंकि हुगो मौजूद नहीं है, हुगो को 2 येलो कार्ड मिल चुका था लास्ट 2 मैच पे, इसीलिए वो इस मैच पे सस्पेंड था। और यहाँ पर एटीके मोहन बागान का जितना भी खिलाड़ी था उनको कॉम्पैक्ट होकर खेलना था क्योंकि क्रिएटिव मिडफील्डर का कमी था इस मैच पे और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डेविड विलियम्स थोड़ा बहुत उसको मेकअप किया है इस मैच पे। डेविड विलियम्स को मैनी थैंक यू उनके इस परफॉर्मेंस के लिए। साथ साथ भाई लिस्टन भी बहुत ही अच्छा खेल रहा था, लेकिन उनको और भी ज़्यादा मैच्योर तरीके से खेलना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग जो था भाई बॉक्स के अंदर वो उनके तरफ से नहीं आ रहा था, कब बॉल को रिलीज़ करना है, कब होल्ड करना है, ये चीज़ उनको और भी अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। लेकिन अंत में जाकर भाई उन्होंने असिस्ट भी किया था डेविड विलियम्स को, तो उन्होंने जितना गलती किया था सब कुछ हम लोग अभी भुला देते हैं, लेकिन उनको और भी ज़्यादा मैच्योर तरीके से हर मैच को खेलना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि उनके पास पोटेंशियल है और हवास उसको यूज जरूर करेगा और भी ज़्यादा सुधार लाएगा उनके परफॉर्मेंस में। तो ये रहा इस मैच के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। आप लोग भी क्या राय रखते हो इस मैच के ऊपर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।